नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज केमिस्ट्री से जुड़ी हुई खास तौर से 10वीं क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं, क्योंकि उनका परीक्षा बहुत नज़दीक है बोर्ड की और कहीं कहीं बोर्ड की परीक्षा कई स्टेट में चालू हो गई है। तो उनको बच्चों को ध्यान रखकर उन विद्यार्थियों को ध्यान रख करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, खास तौर से धातु से संबंधित। तो पहला सवाल मेरा यह है कि कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है, और ये क्वेश्चन जो है खास तौर से जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उसमें पूछा जाता है, हो सकता है कि बोर्ड में भी पूछा जाए, इसलिए मैंने इसको चुना। तो कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है, तो वो धातु है गैलियम। दूसरा सवाल है कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो ये तो बहुत प्रचलित प्रश्न है, तो धातु केवल सिंगल एक धातु है, वो है पारा, जो सामान्य तापमान पर द्रव रूप में होती है, इसका रासायनिक संकेत है HG। इसके बाद देखिए आवर्त नियम या आवर्त सारणी किसने तैयार किया था। तो आवर्त सारणी तैयार करने का जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था डेमित्री मेंडलीफ। इसके बाद है कि सोडियम, जो सोडियम के बारे में आपने सुना होगा पानी में जलता है, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को, तो सोडियम की खोज करने वाले थे हम्फ्री डेवी ने। इसके बाद है कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, एक 10th क्लास में है। तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट, और आपको बता दें कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम को निकालने के दो मेथड हैं, एक बेयर विधि और एक हाल विधि, और अंतिम जो प्रोडक्ट निकलता है वो एल्मोना होता है, और एल्मोना का जब विद्युत विघटन किया जाता है तो एल्युमिनियम अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इसके बाद है आर्यन, कैपिटल आर स्मॉल एन, किस तत्व का रासायनिक संकेत है, तो ये रेडॉन का है। इसके बाद पीतल रेल, अगला इसके बाद का प्रश्न देखिए, रेलवे पटरी को जब हम वेल्डिंग करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें एक अवकारक के रूप में किस तत्व का यूज करते हैं, तो अवकारक के रूप में हम कार्बन का यूज करते हैं, जिसको कोक कहते हैं। इसके बाद पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना है, तो पीतल जो है एलाव है, मिश्र धातु है, एक कापर और जिंक से मिलकर बना है, जिसमें कापर का परसेंटेज 65 होता है और जिंक का परसेंटेज 35 होता है। इसके बाद है अमलगम, मिश्र धातु है, ये अमलगम और निपरमग ये दो एलाव ऐसे हैं जिससे अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। तो अमलगम में जो मिश्र धातु होता है उसमें आधार धातु कौन होता है, तो उसमें जो आधार धातु होता है वो पारा होता है। लोहे पे जंग लगने का कारण क्या है, तो लोहे पर जंग तभी लगता है जब नमी हो और ऑक्सीजन हो, जब लोहा नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लोहे पर एक परत जमती है जो भूरे कलर की होती है, वो जंग है, जिसका सूत्र होता है ये 10th क्लास में आने वाला पक्का, जिसका जंग का सूत्र है Fe2O3 × H2O। इसके बाद 24 कैरेट के बिकने वाला सोना में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, क्योंकि जो आभूषण बनाए जाते हैं वो शुद्ध सोने का नहीं बना सकते आप, क्योंकि इतना मुलायम होता है, तो 24 कैरेट का जो सोना होता है उसमें 82% सोना होता है और 18% तांबा या अन्य धातु होता है। इसके बाद जर्मन सिल्वर में कौन से धातु का मिश्रण होता है, जर्मन सिल्वर नाम देते हैं, तो जर्मन सिल्वर में नाम तो सिल्वर है लेकिन उसमें सिल्वर धातु नहीं होता, तो उसमें होता है कापर जिंक निकेल। जर्मन सिल्वर में धातु होते हैं कापर जिंक और निकेल। वह तत्व जो प्रकृति में तो नहीं पाया जाता लेकिन कृत्रिम रूप में बनाया जाता है, तो तत्व का नाम क्या है, तो उस तत्व का नाम है रेडियम, जो रात में भी चमकता है। कौन से एलिमेंट है जो धातु और अधातु दोनों के रासायनिक गुणधर्म दर्शाता है, तो उसमें बोरान, आर्सेनिक, जर्मेनियम ये धातु आती है।
अधिकतम विद्युत के चालक वाला धातु कौन सा है? उष्मा या विद्युत दोनों की बात मैं कर रहा हूं, तो अधिकतम विद्युत चालकता वाला धातु है चांदी। शीशे के महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? तो शीशे पे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है गैलीना। इसके बाद मित्रों, लौह का शुद्धतम रूप कौन सा है? जैसे लौह पीटवा लोहा, ढलवा लोहा कई प्रकार का होता है, तो लौह का शुद्धतम रूप जो होता है पीटवा लोहा होता है, जिसमें 0.4% मात्र कार्बन होता है। ढलवा लोहे में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? तो ढलवा लोहे में कार्बन का परसेंटेज जो है 3-5% कार्बन होता है। भूरा कोयला किसको कहते हैं? तो भूरा कोयला जो है लिग्नाइट को कहते हैं। अम्ली वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्ली वर्षा जो वाहन से और फैक्ट्रियों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जब वायुमंडल में रहते हैं तो इनकी सांद्रता बढ़ जाती है, जब तो वर्षा के पानी में घुल जाते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिसको हम अम्ली वर्षा कहते हैं। इसके बाद स्टेनस स्टील की मिश्र धातु में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो स्टेनस स्टील जो बनाया जाता है उसमें क्रोमियम और आयरन होता है। इसके बाद है कि कठोर स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो कठोर स्टील में कार्बन का परसेंट जो होता है 0.1-0.4% तक होता है। और इसके बाद है पीतल किससे बनता है? तो मैं पहले प्रश्न बता चुका हूं, पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। और फ्यूज तार, जो फ्यूज तार लगाया जाता है, तो फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है, क्योंकि ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के समय मेन स्विच में लग जाता है, एमसीबी में लगाया जाता है, ताकि जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ने पर पिघल जाए और घर में विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाए और आपके सारे विद्युत उपकरण जो है सुरक्षित रहे। तो लेड और शीशा से बनाया जाता है, लेड और यस टिन से। तो ये आप ध्यान में रखेंगे फ्यूज तार के बारे में। तो ये मित्रों था कुछ 10th क्लास के बच्चों के लिए बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।